टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। भाई साहब, यहाँ आप संजय नगर में आए थे, क्या मामला था इसको लेकर? देखिए, कल ऑफिस में मेरे 8 बजे रात में ये लोग आए थे संजय नगर के, और उन्होंने कहा कि पिछले महीने मेरा 1,26,000 का आ गया अचानक, और इस महीने 20,000 और जोड़ दिया, और उसके साथ नोटिस भी आई थी क्या भरने के लिए? नहीं, नहीं। तो उन्होंने कहा कि 1,00,000 वो हो गए, 1,26,000 और 20,000 और 1,46,000 हो गया है। मैंने सोचा ये कैसे हो गया, इसको हमको मुझे स्टडी करना चाहिए। फिर मैं इनका कंज्यूमर नंबर ले लिया, कंज्यूमर नंबर से उनके साइट पर जब जाकर के हमने स्टडी किया, फिर हमको सुबह को इनको फोन किया कि भाई आप हमको अभी मीटर का इमीडिएटली वीडियो और उसका फोटो भेजिए। इन्होंने जब वीडियो और फोटो भेजा तो हम इस नतीजे पे पहुंचे, और सारे को हमने स्टडी किया कि इनका जो मीटर, और इन्होंने अभी कहा भी कि हमारा मीटर जो इनका 20 साल पहले लगा था वही मीटर आज तक लगा हुआ है, कभी भी कोई बदली नहीं हुआ। तो अब सवाल यह होता है कि जनवरी में इनका जो मीटर क्रमांक है वो मई में बदला हुआ दिखाया जाता है, ठीक है, और इनका वो जो है MSEDCL ने इनको ये बताया कि इनका मीटर फॉल्टी है, चल नहीं रहा, और एवरेज इनका 110 का हमेशा चलाया है, कई महीनों तक, सालों तक इनका 110 का एवरेज किया है। टॉरेंट आने के बाद टॉरेंट ने इसको 80 का एवरेज कर दिया, ठीक है, और ये दिखाया कि इनका जो है मीटर चेंज हो चुका है और नया मीटर रीडिंग इनको जारी कर दिया, एक मीटर क्रमांक जारी कर दिया जिसका नंबर जो है 0539226500। पहले इनका जो महाविद्यालय का मीटर था उसपे क्रमांक का लगा, हाँ, वो जो लास्ट जो इनका जो पहले था उसका जो क्रमांक था वो अलग था। जरा कैमरे पे दिखाइए जी, महावितरण वाला ये वाला इनका है पहले का, ये इनका पहले का जो है मीटर क्रमांक है। नाम वगैरह सब सेम है, क्या क्रमांक है जरा बोलिए? देखिए, इनका क्रमांक जो है वो है 5 9, लास्ट का बता रहे हैं 949252, ये इनका क्रमांक है लास्ट का। और टोरेंट जो आप लगाएंगे, जब टोरेंट आई है तो उसका क्रमांक जो है फिर चेंज हो गया है, और वो क्रमांक बदल कर करके लास्ट का 5000 हो गया है, लास्ट का 5000 हो गया है क्रमांक, ठीक है। तो उनके घर पे तो मीटर वही पुराना ही लगा वही, हाँ, आपने भी तस्वीर अभी खींची है, हमने भी इनसे तस्वीर सुबह में वीडियो भी और तस्वीर सब मंगाई थी, तो वो है। अब उसको जब दिखाया है तो उसको वहां से फिर उन्होंने जीरो काउंट करना शुरू किया है उसी सेम मीटर को, और वो पुराना रुका हुआ है 9407 या 9407 जो भी बोलेंगे आप उसको। जब वो अचानक यहाँ पर आता है तो कहता है कि फॉल्टी जो है वो नॉर्मल हो गया, और उसे पूरे मीटर में जंग लगा हुआ है, बुरी तरह से मीटर खराब है, फॉल्टी ही है, और उनको 9447 का उनको जो है चार्ज मार दिया है, ठीक है। तो ये कहानी है। उसके बाद उसी के बेसिस के ऊपर अगले महीने दिसंबर में इन्होंने कोई इसका रीडिंग नहीं लिया, लिखा रीडिंग नॉट टेकन, और पिछले 7 महीने में जो 9000 दिखा रहा है उसका एवरेज, यानी कि एक महीने में एक गरीब के चौल में जिसका लोड 0.26 है 1342 यूनिट का लगाया है, एक महीने का 1342 यूनिट एक गरीब के घर में लगाया है, उसका 20,000 बनता है, तो दोनों मिलाकर के 1,46,000 का इनका बिल है, जो टेक्निकली ये नहीं, इनका टोटल बिल जो है उनको मारा है 7 महीने का, लेकिन वो नवंबर में 1,26,000 लगाया है और दिसंबर में 20,000 अलग से लगाया है, इनको चार्ज मारा है। तो एक इनको अब सवाल ये पैदा होता है कि सही मानों में 80 यूनिट इनका एवरेज चल रहा था, उसके हिसाब से अगर 2 महीने लास्ट का आप ले लीजिए जो उनसे गलतियां हुई हैं, अगर वो ले लें तो सिर्फ और सिर्फ 1164 रुपया इनका बनता है, 1164 से एक पैसा नहीं, लेकिन इनको 1,46,000 भरने के लिए ये इनका ये सारी चीजें हैं जो उनके बिल पे आया है 1,46,000। ये जो बिल गड़बड़ी हुई है इसको लेकर आप क्या करेंगे? देखिए, इसको लेकर के देखिए, हमने पहले भी जितने टाइप के थे ना उनको हमने भेजा था, GM के साथ मीटिंग हुई और उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्द आपको 3 दिन के अंदर जवाब देंगे, और वो उसमें इतने उलझे हुए हैं कि जितना कंज्यूमर नंबर हमने दिया था सबके घर पे लोग भेज रहे हैं सारा चीज, कल भी शाम तक उन्होंने करवाया है बहुत सी चीजें, और 3 दिन की जगह 7 दिन हो गए हैं, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है, एक अफरा तफरी का आलम उनके साथ भी है कि जवाब दे तो क्या जवाब दे,
और अब हमारे पास है कि हमारी टीम 5 तारीख का और इंतजार करेगी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम ये मीटर रीडिंग आपके साथ बैठेंगे, जो फॉल्ट है बताइए। तो हमने कहा कि आप अभी बैठिए मेरे साथ, तो वो भी तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा 3 दिन बाद मैं खुद आता हूँ, वो भी नहीं आए। आज 3, 4, 5, 6, 7 मंडे में हमारी मीटिंग हुई थी, कल मंडे है, यानी 8 दिन हो जाएंगे, अभी तक न वो आए न डिस्कस किया है। तो उनकी गलतियां एक नहीं बहुत सारी हैं। मेरे ख्याल से टोरेंट को अब रहने का हक यहां पर खत्म हो चुका है। और अब अभी आप ये जो बिल लिए हुए हैं, इनके कंज्यूमर नंबर क्या है और किसके नाम से है? देखिए, ये कंज्यूमर नंबर जो है 0001705158 20 है, और ये है जुबेदा अब्दुल कादर के नाम से, और ये संजय नगर का चौल है, और यहाँ का सैंक्शन लोड जो है 0.26 है किलोवाट सैंक्शन लोड। तो इनके साथ बहुत बड़ा घपला है, जो तकरीबन 1,44,000 का, और कितने 1,44,000 से ज्यादा का इनको जो है बिल भेजा गया है बिला वजह। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम शहनाज फारूक है, मैं यहाँ रहती हूँ। अरे हमारा देखो, जब से हम लोग आए हैं 20-25 साल से हमारा यही मीटर है। अभी दो हर महीना हम लोग बिल भर रहे हैं, अभी ये 2 महीने से 1,25,000, ये महीने का 25,000, 146 लाख आया हमारा बिल, हम लोग कहाँ से भरेंगे बोलो। हाँ, और हम यहाँ पे गए थे, आम आदमी वहाँ पे गए थे, उनके ऑफिस गए थे, डॉक्टर साहब गए थे वहाँ पे, वो आके खुद चेक करे, क्या बोलते मीटर फॉल्टी है तो रीडिंग इतना कैसा आ रहा है। आगे का पूरा उन लोग ने अभी ऐड करके दिया, लेकिन हमारा तो पूरा क्लियर है, हर महीना हम लोग भर रहे हैं। तो ये 2 महीने में इतना बिल कैसा आया? 2 महीने में इतना कैसा होता है? कितना आना चाहिए? 1100 हमारा 1100 आना चाहिए बिल, हमें 1,46,000 है। कैसा भरेंगे हम लोग? काम धंधा नहीं है, टीचर भी लोग बता रहे हैं, बिठा दिया हम लोग को, मेरा आदमी भी काम पे नहीं है, हम लोग क्या करेंगे बोलो। अभी क्या है जी, आपने क्या कहा वो कम, वो बोले देखे देखने जाए तो 1100 आना चाहिए, ये सब गलत लोग ने दिए है बिल, ये इतना बिल हमारा आना ही नहीं चाहिए। हम लोग रेसिडेंट्स है, कमर्शियल नहीं हमारा, रेसिडेंट्स में इतना बिल आता है क्या?